गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। दिस इज द लेक्चर नंबर 11 एंड यूनिट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, इन लास्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टेड द ऑल द थ्योरी रिलेटेड टू द कैपेसिटर। सो दिस लेक्चर इज ऑल्सो द कंटिन्यूशन ऑफ द लास्ट लेक्चर। सो हियर वी डिफाइन एज पार्ट बी, एंड द टॉपिक क्या था, दैट इज द कैपेसिटर and equivalent capacitance of the system. So as in last lecture, we have discussed about the physical significance of the capacitance. Then we calculate the capacitance due to the parallel plate. Then we calculate through the spherical plate and due to the cylindrical plate. And in today lecture, we will discuss about the equivalent capacitance. So first, what is the significance of equivalent capacitance? We have a number of capacitance and they may be connected into the different method, but here we are discussing the two important method or two important connection of the capacitor. So first we will discuss about the series combination, then about the parallel combination, then we will calculate the energy of a capacitor, and finally we define the energy density. Okay, so let's start with series combination. Okay, so first, as we discussed in the last lecture, that a capacitor has two plate, theek hai, and one has the positive charge, ek pe positive charge hai, and the plate is known as the positive plate. Us plate ko hum positive plate keh ke chalna hai. एंड सेकेंड प्लेट हैज द नेगेटिव चार्ज, और उस प्लेट को क्या कह चल रहा है, नेगेटिव प्लेट कह के चल रहा है. एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द कैपेसिटेंस इज रिप्रेजेंटेड एज सी एंड वैल्यू इज बी. बी इज द पोटेंशियल डिफरेंस. एंड व्हाट इज द रिलेशन, ऑल द टर्म, दैट इज क्यू इक्वल टू सी बी. तो क्यू क्या था जी, क्यू इज द चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, उस चार्ज को मान के चलेंगे और रिलेशन क्यू इक्वल टू सी बी है. सो नाउ सपोज we have a number of capacitance, ठीक है, of the capacitor. तो यहां दिखा के चले, this is the plate one with capacitance C1, second capacitor of capacitance value C2, and this is the capacitor three with value C3. अब मुझे क्या करना है, इन्हें सीरीज में कनेक्ट करना है. तो सीरीज का सिग्निफिकेंस क्या है, तो देखें पहले दो प्लेट है. सपोज ये फर्स्ट टर्मिनल ऑफ द प्लेट वन, दिस इज द सेकंड, ऐसे दिस इज द वन एंड दिस इज द सेकंड, दिस इज द वन, दिस इज द सेकंड. तो आपको क्या करना है, जो फर्स्ट प्लेट का सेकंड है, कनेक्ट इट टू द फर्स्ट ऑफ द सेकंड, किसी एक वायर कंडक्टर के थ्रू कनेक्ट कर दें. ऐसे ही इसका सेकेंड थर्ड वाले के फर्स्ट से, और कोई भी होता तो हम उस तरह से कनेक्ट कर देते हैं. ओके, एंड सेकेंड लास्ट वी हैव ए बैटरी. हमारे पास एक बैटरी है विद टू टर्मिनल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड दिस वैल्यू इज बी. तो इट्स पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्ट टू द फर्स्ट टर्मिनल ऑफ कैपेसिटेंस सी वन, और इसके जो नेगेटिव टर्मिनल है लास्ट बैटरी के, लास्ट कैपेसिटर के सेकेंड टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं. सो दिस इज बी. सो व्हाट विल हैपन, this battery B is transferred a charge, और charge कितना transfer करेगी जी, suppose it transfer a charge plus Q, इस पे आ रहा है जी plus Q charge, क्योंकि equal और opposite charge transfer करती है battery, तो यहां पे आ गया जी minus Q, ठीक है, इस तरह से distribute होगा. तो पहला important point क्या है, charge supplied by the battery Q, जैसा हमने दिखाया, बाई ए बैटरी ऑफ पोटेंशियल बी, हमने इस तरह से ट्रांसफर कर दिया. बिकॉज बट वी हैव सेड दैट द कैपेसिटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू पैरेलल प्लेट ऑफ द कंडक्टर. तो अगर एक प्लेट पे मेरा पॉजिटिव चार्ज है तो सेकेंड पे कैसा आएगा, निगेटिव. तो फ्रॉम द सेम मेथड, इफ दिस प्लेट हैज पॉजिटिव चार्ज, यानी कैपेसिटर वन के इस पे अगर एक सेकेंड, इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इससे इसकी जो दूसरी टर्मिनल की प्लेट है उस पर कितना आएगा, माइनस क्यू. ड्यू टू द कंडक्टिंग इफेक्ट अगेन इस पर कितना होगा, प्लस क्यू.
this is minus q and same this is plus q. ओके एट पोटेंशियल कितना होगा? ठीक है, बिकॉज फर्स्ट प्लेट जो है, दिस इज द फर्स्ट प्लेट, ये किससे कनेक्ट है? पॉजिटिव प्लेट से. सो द पोटेंशियल ऑफ दिस टर्मिनल इज सपोज प्लस बी दिखा के चल रहा है. पोटेंशियल सेकेंड प्लेट बी वन, ये कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट है. सो दिस इज सपोज बी वन, दिस इज बी टू एंड दिस इज बी टू. और ये सेकेंड डिफरेंस कितना है बैटरी का जी? बी. तो B अगर यहां आ गया तो दिस इज माई सेकेंड इज जीरो वोल्ट, ये हो गया मेरा जीरो. तो ये मैंने पोटेंशियल अप्लाइड कर दिया, मेरा सर्किट हो गया. अब इक्विवेलेंट सर्किट का सिग्निफिकेंस क्या है? सपोज इफ वी रिप्लेस ऑल दीज कैपेसिटर, हम सी वन सी टू सी थ्री इन सब की जगह केवल मैं एक कैपेसिटेंस यूज करना चाहता हूं, तो ये यहां पे दिखा के चल रहा है एक सिंगल कैपेसिटेंस एंड इट्स वैल्यू इज सी इक्विवेलेंट एंड दिस इज कनेक्ट टू ए बैटरी ऑफ बी. ठीक है, तो क्या क्या रहा है दिस सर्किट, यानी जो पहला है दीज एंड दीज बोथ आर इक्विवेलेंट, बैटरी पोटेंशियल इज बी एंड वैल्यू इज सी इक्विवेलेंट, और चार्ज कितना होगा? अगेन दिस हैज द प्लस क्यू एंड द माइनस क्यू. सो रिलेशन बिटवीन सी इक्विवेलेंट सी एंड बी इज क्यू इक्वल टू सी बी. सो दिस चार्ज क्यू इक्वल टू सी इक्विवेलेंट एंड बी इज द पोटेंशियल. तो दिस इज द रिलेशन क्यू इक्वल टू सी बी, ये आ जाएगा. ओके नाउ, और यह बी इक्वल टू कितना कह सकते हैं? बी इक्वल टू सी क्यू अपॉन सी इक्विवेलेंट. ठीक है, दिस इज द रिलेशनशिप सी इक्विवेलेंट. अब जस्ट बस हम रिलेशन बनाने जा रहे हैं. देखोगे फॉर कैपेसिटेंस अगर सी वन की बात करें तो रिलेशन क्या होगा? तो अगर इसके पोटेंशियल बी माइनस बी वन फॉर द फर्स्ट कैपेसिटेंस, हम इस कैपेसिटर के लिए कह रहे हैं, ये देखोगे फॉर दिस कैपेसिटेंस पोटेंशियल बी एंड बी वन, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज बी माइनस बी वन एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू क्यू अपॉन सी वन, क्यू अपॉन सी वन. ऐसे फॉर द सेकेंड कैपेसिटर वोल्टेज कितना डिफरेंस? बी वन बी टू. सो दिस इज बी वन माइनस बी टू इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी टू एंड फॉर द थर्ड कैपेसिटर बी टू माइनस जीरो इक्वल टू क्यू अपॉन सी थ्री. ये मेरे तीनों कैपेसिटेंस की मतलब रिलेशन आ गया. नाउ अब क्या चीज से मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी निकल गई, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर रिमेन कॉन्स्टेंट एंड पोटेंशियल इज डिफरेंट. तो इन केस ऑफ सीरीज क्या कहा? चार्ज सेम होगा, तो वही हमने चार्ज सेम डिस्ट्रीब्यूट किया और पोटेंशियल अलग अलग है, तो ये आ गया. नाउ इफ वी एड दिस टर्म बी माइनस बी वन, बी वन माइनस बी टू एंड बी टू माइनस बी जीरो, इन तीनों टर्म को अगर मैं ऐड करूं तो क्या रिलेशन बना? फर्स्ट इज बी माइनस बी वन, सेकेंड टर्म इज बी वन माइनस बी टू एंड थर्ड टर्म इज प्लस बी टू माइनस जीरो एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू क्यू अपॉन सी वन प्लस क्यू अपॉन सी टू प्लस क्यू अपॉन सी थ्री, ये टर्म आ गया. और टोटल रिलेशन कितना बचा? दिस इज बी इक्वल टू क्यू एंड इन ब्रैकेट वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट स्टेप, इफ बी डिवाइड दिस बी बाई क्यू, सो दिस इज बी बाई क्यू इक्वल टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री. एंड वट इज दिस बी बाई क्यू, ये टोटल किसके इक्विवेलेंट है? सो दिस बी बाई क्यू कैन बी राइट एज वन अपॉन सी इक्विवेलेंट फ्रॉम दिस रिलेशन. ठीक है, सो नाउ हम बी बाई क्यू को कितना लिख रहे हैं? दिस इज वन अपॉन सी इज इक्विवेलेंट टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री. तो पहले तो एक रिलेशन आया, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वन अपॉन सी, यानी इनवर्स ऑफ द कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दिस इज सी इक्विवेलेंट. कितना होगा? इट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस. सो दिस इज फर्स्ट मेरा रिलेशन बन के आया, जरा बस इसे मैं एक, सो वन अपॉन सी इक्विवेलेंट इज ये आ गया.
नाउ स्टेटमेंट हम क्या दे रहे हैं, स्टेटमेंट इज द इनवर्स ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वही कितना है 1/C इक्विवेलेंट, किसके इक्वल है जी, इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ इनवर्स ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। तो अगर आप सीरीज में जितने भी कैपेसिटेंस कर रहे हैं तो इनका इनवर्स का एल्जेब्रिक सम टोटल कैपेसिटेंस के इनवर्स के सम के इक्वल होगा, ठीक है। सो दिस इज माय फर्स्ट केस। नाउ वी आर डिस्कसिंग द सेकंड केस, सेकंड केस पे आ रहा हूं। सो दैट इज माय पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाउ वी आर डिस्कसिंग द पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, नाउ अगेन वी हैव ए नंबर ऑफ कैपेसिटेंस, फिर दिखा दें, दिस इज सपोज C1, C2, C3, ठीक है, वही प्लेट दिखा के चल रहे हैं। इस केस में क्या कह रहे हैं, ठीक है, वी हैव ए बैटरी। पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, द वन टर्मिनल ऑफ ईच बैटरी इज कनेक्ट टुगेदर। तो आप क्या कर रहे हैं, इसके ऑल टर्मिनल जो 1-1 है उनको एक पॉइंट से कनेक्ट कर दें, ये मैंने एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिए, और जो बैटरी के दूसरे टर्मिनल हैं उनको मुझे क्या करना है, एक पॉइंट से कनेक्ट करना है, तो ये मैंने दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर दी, ठीक है, दिस पॉइंट इज ए एंड बी। और फाइनली बैटरी से कैसे कनेक्ट करना है, तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्ट टू द वन टर्मिनल, इससे कनेक्ट करें, और जो दूसरा टर्मिनल भी उसे नेगेटिव टर्मिनल बी से कनेक्ट कर दें, एंड बैटरी पोटेंशियल इज बी। तो देखोगे आप क्या है, बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल सभी प्लेट के एक पॉजिटिव से कनेक्ट है और नेगेटिव इज कनेक्ट टू द वन टर्मिनल, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगेन कितना है बी। तो पॉजिटिव पे अगर बी माने तो नेगेटिव का हम जीरो मान सकते हैं, तो हर प्लेट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा बी, तो ये बी 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 और दूसरी प्लेट का जीरो 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 हो जाएगा। पोटेंशियल सेम है, ठीक है, पोटेंशियल सेम है, कैपेसिटेंस वैल्यू सी डिफर है, जब सी डिफर है बी सेम है तो चार्ज क्यू क्या हो जाएगा, चार्ज इज डिफर, अलग अलग हो जाएगा, चार्ज अलग अलग होगा। तो यहां एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, जब भी पैरेलल केस होगा वोल्टेज ऑफ ईच कैपेसिटर रिमेन कांस्टेंट, वोल्टेज कांस्टेंट होगा एंड इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, इसके इक्वल होगा, बट चार्ज क्या होगा, डिफर होगा, ठीक है। सो सपोज दिस बैटरी हैज द चार्ज प्लस क्यू, जैसे हमने कहा प्लस क्यू माइनस क्यू क्यू वन अलग अलग है, इस पे ऐसे ही हम Q2 कह के चलना है, इस पे हम Q3 कह के चलना है, बट चार्ज कंजर्वेशन क्या कहता है, टोटल चार्ज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्ज, चार्ज कांट बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। सो इफ वी एज्यूम अगेन, अगर मैं एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी एज्यूम करूं ऑफ दिस स्टफ, यानी टोटल पैरेलल कॉम्बिनेशन को मैं एक कैपेसिटेंस के थ्रू रिप्लेस करना चाहता हूं, एंड दिस इज जस्ट वेट, इसको हम एक बैटरी बी से कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो चार्ज क्यू सप्लाई हो रहा है, तो क्यू इक्वल टू कितना होगा सी बी, एंड रिलेशन क्या होगा इन क्यू, चार्ज कांट बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, क्योंकि चार्ज तो इक्वल ट्रांसफर होगा, तो रिलेशन क्या आया जी, क्यू टोटल चार्ज क्यू इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। Q1 की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, वोल्टेज सेम है, कैपेसिटेंस है क्यू इक्वल टू सी बी, सो दिस टर्म इज C1B, Q2 इज C2 × B एंड Q3 इज C3 × B, एंड टोटल वैल्यू ऑफ चार्ज क्यू कैन बी राइट एज C × B। सी को जरा हम सी इक्विवेलेंट और दिखा दें, दिस इज सी इक्विवेलेंट, सो दिस टर्म इज C equivalent × B। तो बस सिंपल फाइनल वोल्टेज तो हो ही गया, बी इज कैंसिल आउट, सो फाइनल सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। सो इफ ए नंबर ऑफ कैपेसिटर आर कनेक्ट इन पैरेलल, ठीक है, अगर आपके नंबर ऑफ कैपेसिटर अगर पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो टोटल कैपेसिटेंस इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, तो फाइनल जो कैपेसिटेंस है वो अलग अलग कैपेसिटेंस के सम के इक्वल होगी।
ओके सो दिस इज माय सेकंड केस जो मैं लेके चला। तो पैरेलल के केस में स्टेटमेंट क्या क्या चीज है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट, चार्ज मेरा डिफर होता है, एंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, उसके सम के बराबर। ओके सो दैट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाउ मुझे क्वेश्चन कैसे करने हैं, तो थर्ड पॉइंट हम लेके चले हैं प्रोसीजर टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मुझे कैसे फाइंड करना है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए, मतलब कोई भी सिस्टम विच हैज ए लार्ज नंबर ऑफ कैपेसिटेंस, बहुत सारे कैपेसिटेंस है, नंबर ऑफ कैपेसिटेंस, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई वन इज इन सीरीज एंड वन इज इन पैरेलल। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज जैसे हम ये कहें एक कैपेसिटेंस सारे के सारे C इक्वल टू कितना लेके चल रहे हैं, सपोज 4 माइक्रो फेराड के हम कैपेसिटेंस लेके चल रहे हैं। सो दिस कैपेसिटेंस इज C, यहां हमने एक कैपेसिटेंस और लिया, दिस इज द C, और एक और कनेक्ट किया, दिस इज द C, ठीक है, एक यहां कनेक्ट कर रहे हैं, सारे कैपेसिटेंस सी के हैं एंड दिस इज सी, ठीक है, एंड दैट टर्मिनल इज कनेक्ट टुगेदर, दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज कनेक्ट टुगेदर, इसको हम कह के चल रहे हैं ये आपस में कनेक्ट है, दिस टर्मिनल इज सपोज बी। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करनी है कि किस पॉइंट के बीच में कैपेसिटेंस निकालना, ठीक है। तो बड़े इजीली आप क्या कर सकते हैं, सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे, कि सीरीज कौन सा पैरेलल कौन सा है। तो ये देखना, दिस पॉइंट इज सपोज ए, स्मॉल में दिखा दे रहा हूं, बी सी डी एंड दिस इज ई, ठीक है। अब क्या है, पॉइंट ए इक्वल टू, जस्ट वेट करना, जस्ट वेट, तो हर कैपेसिटेंस की वैल्यू सी लेके चल रहा है। पॉइंट क्या है, ए इक्वल टू, ए इक्वल टू बी, तीनों ए की पॉइंट है, कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट है, ऐसे सी पॉइंट इक्वल टू द बी पॉइंट इक्वल टू द डी पॉइंट ए की पॉइंट है। तो बस मैंने क्या किया, इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए ये पॉइंट ए की जगह ले लिया, यानी दिस इज ए इक्वल टू बी, मैं इन्हीं पॉइंट के बीच में मेरे दो कैपेसिटेंस जा रहे हैं, दिस इज सी एंड दिस इज सी पॉइंट, ठीक है ये, और ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज सपोज ई पॉइंट कह के चल रहा है, और ये दोनों कैपेसिटेंस आए सी सी के, और ये ई पॉइंट से कनेक्ट हो गया, और इससे एक कैपेसिटेंस कौन सा जा रहा है, ये कैपेसिटेंस जा रहा है सी, और फिर हम बात कर रहे हैं इस कैपेसिटेंस सी और ये सी कैपेसिटेंस, अगेन फिर मेरे ये कैपेसिटेंस आ गए सी और सी ई पॉइंट से ही कनेक्ट है, ये पॉइंट आए अगेन, और ये किस पॉइंट पर पहुंचे, बी पे, ये कैपेसिटेंस सी किस पॉइंट से जा रहा है जी, बी पॉइंट से है, ऐसे ही ये जो कैपेसिटेंस है सी, ये भी ए पॉइंट और बी के बीच में है, तो ये हमारा यहाँ आ गया, तो ए पॉइंट और बी पॉइंट ये इक्वल है। अब देखो हर कैपेसिटेंस सी का है, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, दिस सी एंड दिस सी आर कनेक्ट इन पैरेलल, तो टू सी कह सकते हैं, एंड दिस सी एंड दिस सी आर कनेक्ट इन पैरेलल, तो इसकी भी इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी, टू सी। तो नेक्स्ट स्टेप जो हम इससे लेके चलेंगे, क्या कहेंगे, द कैपेसिटेंस ऊपर आ गया सी एंड दिस इज टू सी एंड टू सी, ये कैपेसिटेंस आया, और यहाँ कितना आ गया जी, एक सी का, ये सी था, यहाँ सी का ये आ गया, ठीक है, ये पॉइंट आ गया ए और बी। अब दिस 2C एंड दिस 2C कैपेसिटेंस आर कनेक्ट इन सीरीज, क्योंकि फर्स्ट का फर्स्ट कैपेसिटर का जो सेकंड टर्मिनल है दूसरे के फर्स्ट से कनेक्ट है, तो इन दोनों की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी इन दोनों सर्किट की वो कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन सी इज 1 अपॉन 2C प्लस 1 अपॉन 2C, जैसे C डैश में मानू तो C डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी C, तो
अगेन अगर मैं इस सर्किट को रिप्लेस करूं तो किस तरह से रिप्लेस करेंगे देखोगे, जस्ट वेट। अगेन सर्किट किस तरह से आ जाएगा जी, दैट इज सी सी एंड दिस इज अगेन सी, इस तरह से आ गया और ए एंड बी। अब क्या है, ऑल द कैपेसिटर वन पॉइंट इज कनेक्ट टूगेदर, एक पॉइंट पर कनेक्ट है, सेकेंड पॉइंट इज कनेक्ट टूगेदर, तो ये किसमें हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सो द सी ए बी इज द वैल्यू ऑफ सी प्लस सी प्लस सी एंड दिस वैल्यू इज थ्री सी। थ्री कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी लेके चले थे, फोर माइक्रोफेरेड, दिस इज फोर माइक्रोफेरेड, सो टोटल वैल्यू इज 12 माइक्रोफेरेड, ये मेरी वैल्यू आ जाए। ओके, सो इस तरह से मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकता हूं। ओके, सो ये मेरा कैपेसिटेंस हो गया। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें एनर्जी डेंसिटी के बारे में बात करनी है। सो नेक्स्ट फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फोर्स बिटवीन द कैपेसिटर्स, मेरा कितना लगता है। ठीक है, तो क्या कह के चल रहे हैं, सपोज सपोज वी हैव टू प्लेट, या इस तरह से नहीं, मैं इसी तरह से दिखाता हूं, मेरे पास दो प्लेट हैं, एक ये और एक प्लेट ये है। ठीक है, जरा इस प्लेट को और अच्छा सा बना दें, इसे हटा दें हम, और ये आ गई मेरी प्लेट, एक प्लेट ये है। ठीक, इस पे हमने प्लस क्यू चार्ज दिया है और सेकंड प्लेट पे चार्ज देके चलना है माइनस क्यू चार्ज देके चलना है। तो अगर हम कहें फर्स्ट प्लेट हैज अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, दे अप्लाई ए फील्ड ऑन द सेकंड प्लेट, इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा E, चार्ज Q इज अप्लाइड ऑन ए प्लेट एट द वैल्यू ऑफ E प्लस, अगर मैं इस फील्ड को E प्लस कैसे रिप्रेजेंट करता हूं, दिस इज इक्विवेलेंट टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। और सिग्मा इफ दिस हैज द एरिया ए, प्लेट एरिया अगर मैं ए ले लूं, सो दिस इज क्यू अपॉन ए, कितना होगा जी, क्यू अपॉन क्यू चार्ज, क्यू की फॉर्म में दिखाना है, क्यू अपॉन ए इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, ये मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। फोर्स, क्योंकि ये चार्ज कितना है जी, माइनस क्यू, तो फोर्स एफ कितना लगेगा, एफ इक्वल टू कितना होता है, माइनस क्यू ई ई ई, जो है डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर, यानी ये ए आर दिखा दें तो दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए आर, सो दिस इज चार्ज माइनस क्यू और ए की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू अपॉन 2 ए एप्सिलॉन क्यू, ये केवल क्यू है सिंपल, ठीक है, क्यू अपॉन ए, जस्ट वेट, दिस इज क्यू अपॉन ए इंटू 2 एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया, और दिस इज टोटल इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए एप्सिलॉन। माइनस साइन क्या बता रहा है कि जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे अगर मैं केवल बात करूं, दिस इज इक्विवेलेंट टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए एप्सिलॉन। तो यानी पॉजिटिव प्लेट अप्लाइड ए फोर्स ऑन नेगेटिव प्लेट एंड द वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू कितना है जी, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट, ए दिस इज द एरिया ए है, 2 ए एप्सिलॉन नॉट, इतना फोर्स लगाता है। ठीक है, तो और फोर्स यानी अट्रैक्शन, दिस द फोर्स किस टाइप का होगा, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का कह सकते हैं, या अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ये फोर्स लगेगा। ठीक, अब ये फोर्स की बात कर ली, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, मेरी कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर्ड होती है, कैपेसिटर मेरी कितनी। नाउ पहला क्वेश्चन आता है, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर क्यों करेगा, और सेकेंड, अगर एनर्जी स्टोर करेगा तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो देखो क्या कहा है हमने, कि व्हेन द पॉजिटिव प्लेट
इज पुट टू द नेगेटिव प्लेट, कैपेसिटर की पॉजिटिव और जो नेगेटिव प्लेट को पास में रखते हैं, तो पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट द नेगेटिव प्लेट बाय द अमाउंट ऑफ दिस फोर्स F, ठीक है। एंड इफ वी वांट टू मेक ए सेपरेशन बिटवीन द प्लेट T, तो मुझे इस फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा, और वर्क W कितना होता है जी, दिस इज एफ डॉट डी एस, ठीक है। तो पहले वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी, तो वर्क फोर्स अगर देखें तो कितना है, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट, ये है माइनस के इक्विवेलेंट। डिस्टेंस डी एस भी मैं फोर्स के अपोज में लेके चल रहा हूं, तो इसीलिए हमने डिस्टेंस दी है माइनस डी, फाइनली लिनियर रिलेशनशिप है। माइनस साइन क्यों आया है, क्योंकि हम इस फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना है। तो फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज क्यू स्क्वायर डी अपॉन टू ए एप्सिलॉन, ठीक है। अब ये वर्क जो हुआ, दिस वर्क इज डन अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इंटरनल फोर्स लग रहा था उसके अगेंस्ट में काम किया है। तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है कि एनर्जी कांट बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, सो दिस वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट एंड दिस एनर्जी स्टोर्ड इन टू द कैपेसिटर, ठीक है। तो जो एनर्जी की वैल्यू है वो कितनी होगी, पहले मैग्नीट्यूड वाई, दिस इज क्यू स्क्वायर डी अपॉन टू एप्सिलॉन। अब मैं जरा इसको हल्का सा और सॉल्व कर दें, दिस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, अगर ये कहें, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, दिस इज इक्विवेलेंट टू द सी, सो दिस वैल्यू कैन बी राइट एज क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, ठीक है। एंड दिस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड एनर्जी को रिप्रेजेंट करना है, दिस इज यू, एंड दिस वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू द क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। इफ क्यू की जगह हम सी बी रखते हैं, सो दिस इज सी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन टू सी। सो नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला कैन बी राइट एज हाफ सी बी स्क्वायर, ठीक है। और अगर क्यू इक्वल टू सी बी ले लें तो ये अगेन एक फॉर्मूला और बन जाएगा, हाफ क्यू इन टू बी, क्यू इक्वल टू सी बी से। सो द फॉर्मूला ऑफ द एनर्जी, ठीक है, स्टोर्ड इन टू द कैपेसिटर, यू कितना रहेगा जी, यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर इक्वल टू हाफ क्यू बी, ये मेरी एनर्जी की वैल्यू होगी, ठीक है, जो स्टोर्ड होगी इन कैपेसिटर, एंड दिस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कैसे आ रही है एनर्जी, एनर्जी फोर्स ऑन द कैपेसिटर पॉजिटिव प्लेट, इसके अगेंस्ट में कब क्या करना पड़ रहा है जी, वर्क डन, एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इस फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी। एक लास्ट और है, दैट इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर। एज वी हैव सेड दैट द कैपेसिटर स्टोर द एनर्जी, तो एनर्जी डेंसिटी जो डिफाइन करना है, दिस इज द डेल यू, एनर्जी चेंज इन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी टोटल एनर्जी अगर डेल ई है, ठीक है, अगर सिंबल मैं चेंज कर दूं, एनर्जी को हम ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो एनर्जी इन द कैपेसिटर यू, और इस एनर्जी को अगर हम ई भी कह दें, तो हम एनर्जी डेंसिटी की डेफिनेशन क्या दे रहे हैं, चेंज इन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, कि उसके वॉल्यूम में एनर्जी के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, दैट इज डिफाइंड एज द एनर्जी डेंसिटी। एंड दिस इज, अगर एनर्जी को हम जूल्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जूल पर वोल्ट, जूल पर मीटर क्यूब, जितना वॉल्यूम है उसमें बात करेंगे, ठीक है। सो दैट इज द यूनिट। निकालना कैसे है, एक बार फिर दोबारा से मैं जरा प्लेट दिखा दे रहा हूँ, ये मेरी एक प्लेट था, पर यूनिट एनर्जी चेंज करना है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट प्लेट, दिस इज द सेकेंड प्लेट हमने कहा, एंड इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट सपोज डी वन लेके चल रहा है, जस्ट वेट, ये इनके बीच में डिस्टेंस है, एरिया ए, दिस मैग्नीट्यूड प्लस क्यू एंड दिस इज द माइनस क्यू, नाउ माइनस क्यू, नाउ वी हैव चेंज दिस डिस्टेंस बाई डी टू। तो मैंने क्या किया, जो नेगेटिव चार्ज है इसकी डिस्टेंस हटा के इसको कहाँ शिफ्ट कर दे रहे हैं, नाउ वी आर चेंजिंग दिस पोजिशन फ्रॉम डी वन टू डी टू, ये मेरी डी टू पोजिशन है, मैंने जिस पे से चेंज किया, सो अगेन देयर इज चेंज इन एनर्जी
और एनर्जी क्योंकि मुझे क्या होगा इस फिर अगेन इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस क्यू इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसके अगेंस्ट में काम करना है और फिर ये वर्क डन होगा डब्ल्यू और ये डब्ल्यू एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो चेंज इन एनर्जी जो होगा डेल यू, अगर मैं बात करूं पहले एनर्जी निकालना है डेल ई चेंज इन, सो दिस इज क्यू स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन टू ए एप्सिलॉन इनटू डी, डी कितना चेंज किया डी टू माइनस डी वन। ये हम कहां से लेके आए हैं डेल ई, ये फॉर्मूला हमने यहाँ ड्राइव किया था, दैट इज द चेंज इन एनर्जी कितना था, ये जो बात की थी यहाँ दिस इज क्यू स्क्वायर डी अपॉन टू ए एप्सिलॉन, यही तो चेंज इन एनर्जी थी वर्क डन और यही हमारी एनर्जी में फॉर्म में स्टोर होगा, सो दैट इज अ चेंज इन एनर्जी। अब एनर्जी डेंसिटी की बात करें, सो दिस इज डेल यू और यू टोटल एनर्जी की बात कर लें यू हटा के, दिस इज डेल ई बाई डेल डी और टोटल चेंज इन एनर्जी कितना रहा जी क्यू स्क्वायर अपॉन 2a epsilon naught into d2 minus d1 and volume del e by del v, volume कितना रहा a is the area और length कितनी है जी d2 minus d1 is the length, ये है तो total कितना आ गया this is q square, q मतलब confused मत हो जाना ये जो plus q दिखाया है यही हम यहाँ पे q दिखा रहे हैं, यानी both are same symbol q equal to q मतलब एक ही symbol है, so this term is equivalent to q square upon 2a square into epsilon naught, ये term बचा तो हाँ अगर मैं epsilon naught एक बार common और ले लें, so this q square upon a square into epsilon naught, ठीक है ये term हो जाएगा and this term is half epsilon naught, इसे कितना लिख सकते हैं this is epsilon naught square, this is sigma square upon epsilon naught or that is equivalent to the electric field, so change in energy or energy density per unit change in energy per unit volume kitna hoga half epsilon naught e square, theek hai, so this is the energy density of the capacitor jo mujhe dhyan rakhna half epsilon naught into e square, theek hai, change in energy per unit volume itna hota hai, okay। So what we have discussed in the today lecture, in today lecture we have discussed first about the series combination of the capacitance and calculate the formula, that is equivalent capacitance is 1 upon C equal to 1 upon C1 plus C2 plus C3 is tarah se, then parallel capacitance humne formula nikala, then we have discussed a problem, then force between the plate kitna hoga, then energy stored in the capacitor and then we will discuss about the energy density of the capacitor, okay, so today we will stop here, in next lecture we will discuss about the concept of the dielectric and the what the change in capacitance when a capacitor is put into a dielectric material, topic bahut zyada important hoga dielectric se related ki meri capacitor mein kya change ho raha hai, bahut sare question aate hain, so just go through the next lecture for the concept of the dielectric, okay, thank you।